मैं इसको पढ़ जो स्टूडेंट्स, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम रन करना है या प्रोग्राम को अगर आपने लिखना है, उसके लिए हमारे पास जो एम्यूलेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डॉस बॉक्स है। ठीक है, ये डॉस बॉक्स आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपने सिंपली इसको रन करना है। डॉस बॉक्स को जैसे ही ओपन होगा, ये कमांड लाइन जो है वो एक एम्यूलेटर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसकी वर्चुअल जी ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आपने रन करना है जो कि आपने पहले से लिखा हुआ, या कोई प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए आप पहले जो सी ड्राइव में आपने 8086 का फोल्डर, मीन के मैसम का जो फोल्डर आपने वहां पर पेस्ट किया हुआ था, वहां तक जो है वो आपने उसको असेस करना है। उसके लिए जो कमांड थी स्टूडेंट, वो हमने ये पढ़ी थी कि माउंट, MOUNT, माउंट सी सी कोलन और बैक स्लैश 8086, ये फोल्डर का नेम है जो मैंने सी ड्राइव के अंदर सेव किया हुआ है। तो मैंने उसको पहले सी ड्राइव को माउंट करूंगा, माउंट कर लिया आपने, एंटर किया, तो ये देखें ड्राइव सी इज माउंटेड एज द लोकल डायरेक्टरी, माउंट हो चुकी है। फिर आपने क्या करना है कि इस सी ड्राइव में जाना है सी कॉलन, ठीक है, उसके लिए सी कॉलन की कमांड आपने यूज करनी है, सी कॉलन, और आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप सी ड्राइव में, आप देखें ये सी ड्राइव में आप आपकी कमांड, आपके जो कमांड लाइन है वो सी ड्राइव में वर्क कर रही होगी, 8086 फोल्डर में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है कि लेट्स सपोज कि आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई नया प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है एडिट एडिट, और उस प्रोग्राम का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चूंकि दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल रख लेता हूँ उसका एड, ये डबल डी एड, ठीक है, एड एड डॉट ए एस एम। आपने लाजमी तौर पर उसकी एक्सटेंशन जो रखनी है, ये आपका फाइल का नेम है जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे, एड डॉट ए एस एम के नाम से आपने वो फाइल का नेम जो है वो चूज किया। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके पास उस 8086 फोल्डर के अंदर एड डॉट ए एस एम का जो फाइल है, एम्प्टी फाइल, वो क्रिएट हो जाएगी। इसमें आप असेंबली का जो कोड है वो लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोड जो है वो फिर अगर आपने लिखना है उसका सिंटेक्स क्या था, कि सबसे पहले पहली जो आपकी कमांड होती है वो डॉस सेगमेंट की होती है, जिसमें आपने जो है वो डॉस सेगमेंट का लिखना होता है। तो डॉस सेगमेंट की कमांड मैंने आपको बताई थी किस पर्पज के लिए यूज होती है। ये हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसका असेंबलर ऑटोमेटिकली जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं कोड के, उसको अरेंज करने के लिए, उसको मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली उसको खुद से उसको मैनिपुलेट या उसको अरेंज कर रहा होता है। तो फर्स्ट जो कमांड थी वो डॉस, डी ओ एस, डॉस और सेगमेंट, ऐसी चीज। तो डॉस सेगमेंट की कमांड आपके पास होगी फर्स्ट, फिर उसके बाद आपने अपना मॉडल बताना होता है कि हमारे प्रोग्राम का साइज क्या है, डॉट मॉडल, ठीक है, डॉट मॉडल से आपने डॉट मॉडल जो है वो आपने आपने देख ये बताना है कि मेरे प्रोग्राम का साइज है वो अभी चूंकि इनिशियल है, हमारा साइज प्रोग्राम का साइज कम होता है, तो हम डॉट मॉडल और साइज इसका जो लिखते हैं वो स्मॉल स्मॉल, मीन के ये हमारा जो प्रोग्राम का साइज है वो आपने बता दिया डॉट मॉडल के अंदर। फिर नेक्स्ट आपने बताना होता है स्टैक का साइज कितना है, तो उसके लिए डॉट स्टैक, डॉट स्टैक और ये 100H, 100H, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आपने जो है वो डॉट कोड की कोड का सेगमेंट लिखना होता है, डॉट डेटा का सेगमेंट पहले लिखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो डॉट कोड का सेगमेंट आएगा, ठीक है। कोड में आपने जो है वो डिफाइन किया था मेन प्रॉक जो है, तो कोड में आपका जो मेन प्रॉक, मेन प्रॉक जो है प्रोसीजर जो है वो आपने डिफाइन, वो आपने लिखना है। फिर मेन प्रॉक के अंदर जो है वो आप अपना कोड लिखेंगे। तो लेट्स सपोज कि हम जो है ना यूजर से दो नंबर्स लेंगे, इनपुट लेंगे और उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आउटपुट जो है वो हम शो करेंगे। स्टूडेंट ये जिस स्टूडेंट का माइक जो है वो म्यूट नहीं है, उसका म्यूट कर लें जी। तो अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मूव AH1, कि हम अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर AH,1, ये इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। और जब आपको पता है जब भी हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो उसके बाद हमने इंटरप्ट की कमांड यूज करनी है, इंटरप्ट 21H, ठीक है, इंटरप्ट 21H की कमांड यूज की। तो ये यूजर से उसने इनपुट जो है वो आपकी लेगा। अब ये जो इनपुट आएगी ये कहाँ पर होगी, ये अकोमोडेटर रजिस्टर में जो है वो
इनपुट होगी। अब अकाउमलेट रजिस्टर के अंदर जो आपने इनपुट ली है इसको आपको किसी पहले दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अकाउमलेट रजिस्टर के लो पार्ट में जो वैल्यूज आ गई है उसको मैं किसी दूसरा रजिस्टर बी एल रजिस्टर लेट सपोज के मैं यूज कर लेता हूँ, बी एल के अंदर उस वैल्यू को मूव करवा लूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा मूव बी एल ए एल। तो आपने जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये लिखी थी ना मूव ए एच वन, इसने क्या किया कि यूजर से इनपुट ली, उसको इसने क्या किया कि जो अकाउमलेटर का रजिस्टर का ए एल पार्ट है उसमें सेव कर दिया। अब दोबारा से चूंकि हमें एक दूसरे वेरिएबल की इनपुट लेनी है तो वो जब इनपुट लेंगे वो भी ए एल में ही आएगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले इस ए एल की जो ए एल में वैल्यू में वेरिएबल रजिस्टर में जो वैल्यू आ चुकी है इसको पहले बी एल में मूव करवा लेते हैं ताकि जब हम दोबारा यूजर से इनपुट लें तो उसको जो है वो फिर हम वो फिर वैल्यू ओवरराइड ना हो। ठीक है, अब यूजर को दोबारा से अगर आपने इनपुट के लिए कहना है तो उसके लिए क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वही यूजर से इनपुट लेनी, उसके लिए इंस्ट्रक्शन थी मूव ए एच वन और साथ में इंटरप्ट 21H, इंटरप्ट 21H जो है वो आपने लिखा। तो ये यूजर से दोबारा इसने इनपुट ले ली। अब यूजर से जो दोबारा इनपुट लेगी वो कहां पर स्टोर पड़ी होगी, वो आपकी ए एल रजिस्टर यानी कंप्यूटर रजिस्टर का जो लोअर पार्ट है उसमें पड़ी होगी। तो इसी वजह से हमने पहले उसकी जो ए एल में जो वैल्यू पड़ी थी उसको बी एल में सेव करवा लिया था। तो ए एल में वो वैल्यू पड़ी हुई है। अब आपके पास ए एल में जो आपने सेकंड वैल्यू ली हुई है वो ए एल में पड़ी हुई है, पहली जो वैल्यू थी वो आपके पास बी एल रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है। अब इन दोनों को हम ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर ऐड की सिंपल इंस्ट्रक्शन, आप लिखेंगे ऐड ए एल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बी एल में ऐड करनी है। तो बी एल और ए एल, ए एल में अब सेकंड वैल्यू है, बी एल में आपने जो पहली वैल्यू है वो, इन दोनों का रिजल्ट ऐड होके बी एल रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा। अब इस जो रिजल्ट आपके पास पड़ा होगा इसको आपने आउटपुट करवाना है। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट बी एल में पड़ा हुआ है इसको आउटपुट अगर आपने करवाना है तो पहले याद रखेगा जब भी इस तरह से कोई आउटपुट अगर आपने करवानी है किसी रजिस्टर के अंदर तो पहले उस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको हम डेटा रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, डेटा रजिस्टर के अंदर मूव करने के बाद हम उसको आउटपुट करवाएं करेंगे। तो हम ये जो बी मूव अब हम करने लगे हैं मूव बी एल रजिस्टर, डेटा रजिस्टर के अंदर ये जो बी एल में वैल्यू एड होके पड़ी हुई थी वो अब डी एल में मूव करवा दी, अब हम इसको आउटपुट करवाएंगे। तो डी एल में जब आपने इसको मूव करवा लिया तो फिर आउटपुट करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो करते हैं मूव ए एच कॉमा टू। तो मूव सॉरी यहां नीचे मूव ए एच टू, तो मूव ए एच टू आपने लिखा तो वो क्या होगा कि मूव की जो इंस्ट्रक्शन है वो अकाउमलेटर रजिस्टर का जो जो कि डीएल में हमारे पास ऐड होने के बाद हमने जो डाटा है वो डीएल में मूव करवा दिया ताकि उसे हम आउटपुट करवा सकें। तो उस आउटपुट करवाने के लिए जो वैल्यू है मूव की वो आपकी, उसके लिए हमने एएच मूव एएच टू इंस्ट्रक्शन यूज की। इसके साथ हम इंटरप्ट इसको करते हैं, इंटरप्ट इंटरप्ट E1H, और फिर हमने देखा था कि जब आपने ये सारा काम कर लिया और आप कंट्रोल को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कौन सी कमांड थी, उसके लिए थी मूव ए एच फोर सी एच। याद है कि जब हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है तो उसके लिए हम मूव कंट्रोल को एग्जिट करने के लिए मूव ए एच फोर सी एच करते हैं। ओके, और फिर इंटरप्ट कॉल करेंगे इंटरप्ट 21H। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब इसको आपने मेन को क्लोज भी करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे मेन मेन एंड पी, एंड पी पहले प्रोसीजर को किया, एंड पी पहले प्रोसीजर को आपने जो है वो क्लोज किया, फिर आपने एंड मेन करना है, एंड मेन। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट आपका प्रोग्राम है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इसको आप सेव कर लें पहले। अभी आप इसको यहाँ पर सेव कर लिया तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने किया क्या इस प्रोग्राम के अंदर। पहले डॉ सेगमेंट की कमांड आपने लिखी जिससे जो है वो आप डॉ सेगमेंट जो है ये आपके जितने भी जो मैंने सेगमेंट बनाया है डॉट मॉडल का सेगमेंट बनाया है स्टैक का डाटा का कोड का ये मेमोरी में इसको अरेंज कर लेगा आपको ऑटोमेटिकली। डॉट मॉडल जो है ये आपने बताना था कि मेरे प्रोग्राम का साइज क्या है वो आपने बताया वो स्मॉल है। फिर डॉट स्टैक में आपने बताना था स्टैक जो हमारा बैकएंड पे यूज होगा उसका साइज क्या है वो 100H है।
फिर डॉट डाटा में अगर आपको ना कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो रजिस्टर में सेव कर रहे हैं, इसलिए कोई हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो डॉट डाटा एम्प्टी है। फिर डॉट कोड में आपने मेन प्रॉप लिखना है, मेन प्रोसीजर, और यहाँ पर अपना तमाम का तमाम बाकी प्रोग्राम लिखना है। तो हमने यूजर से अगर इनपुट लेनी थी तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी मूव एच वन, ठीक है, और साथ में इंटरप्ट 21 एच। इससे जब आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखी तो इससे क्या होगा कि यूजर से जो है वो इनपुट जो आएगी वो अकोमोडेट रजिस्टर के लो पार्ट में आ जाएगी। अब उस लो पार्ट से हम वैल्यू को मूव करवा लेंगे बी एल रजिस्टर में, ताकि ए एल में जब दोबारा से हम वैल्यू ए एच वन से मूव ए एच वन के जरिए लें तो उसको फिर ओवरराइट ना हो, इसलिए हमने ए एल में जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको बी एल में मूव करवा दिया। फिर अब यूजर से दोबारा इनपुट लेनी थी सेकंड नंबर की, तो उसके लिए हमने लिखा मूव ए एच वन इंटरप्ट 21 एच। यूजर ने दोबारा इनपुट एंटर की और वो ए एल रजिस्टर के अंदर सेव होगी। अब आपने जस्ट एड करना है दोनों वैल्यूज को, तो ए एल में जो वैल्यू अभी आपने ली है और जो पहले आपने बी एल में वैल्यू सेव की है, इन दोनों को आपने लिखा एड बी एल ए एल, ठीक है, और अब वैल्यू एड होके बी एल रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है। अब आपने ये करना है कि उसको आउटपुट करवाना था, तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह से किसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, डाटा पड़ा, तो आपको पहले उसको डी एल डाटा रजिस्टर के अंदर मूव करवाना पड़ेगा, फिर आप उसको जो है वो आउटपुट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा मूव बी एल डी एल, डी एल के अंदर आप हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब हम इसको आउटपुट कर सकते हैं। आउटपुट के लिए जो कमांड हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मूव ए एच टू इंटरप्ट 21 एच, ये आउटपुट के लिए, और कंट्रोल को एग्जिट करने के लिए जो कमांड थी वो थी मूव ए एच फोर सी एच इंटरप्ट 21 एच, तो ये कंट्रोल को एग्जिट करने के लिए कमांड हो जाएगी। फिर आपने मेन को एंड भी कर एंड प्रोसीजर करना है और फिर एंड मेन करना है। तो ये कंप्लीट आपका स्टूडेंट ये प्रोग्राम है। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं, हमने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद अब हम इसको एग्जिट यहां से कर देंगे। ओके, अब रन करने की जो कमांड थी स्टूडेंट वो क्या थी, उसके लिए रन करने के लिए आपने लिखना है मैसम, एम ए एस एम एम एस ए एम, मैसम, और आगे जो है प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम हमने रखा था एड डॉट ए एस एम। ये स्टूडेंट कोई भी अगर आपने असेंबली का प्रोग्राम जो पहले से सेव है उसको अगर आपने रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो फर्स्ट कमांड है वो मैसम एड डॉट ए एस एम है। तो इसके मैसम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, उसको हम इसको कमांड को ठीक है एम मैसम असेंबलर ए एस एम, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, और आपने स्पेस और आगे फाइल का जो है वो नेम लिखा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल ये देखें क्रिएट करने लगा है। तो ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट करने के बाद उसने आपको यहाँ पर बता देगा कि एरर मौजूद है या नहीं है। अगर जीरो वार्निंग और जीरो सर्विस एरर शो राइट, मीन कि आपने प्रोग्राम ठीक लिखा है, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा ठीक है। तो अगर कोई एरर वगैरह होगा तो वो मेंशन कर देगा कि आपने क्या एरर जो है वो आपकी डायरेक्टिव का एरर है या कोई और जो है वो लाइन पे एरर मौजूद है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई है, उन ऑब्जेक्ट फाइल को अब हमने लिंक करना है। तो मैसम ने ये काम करना होता है कि आपके प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करनी होती है, तो वो उसके लिए कमांड जो है वो है मैसम और आगे प्रोग्राम का नाम। नेक्स्ट जो है वो आपने इन ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना है, तो उसके लिए कमांड है एल आई एन के लिंक, और आगे जो कोड था, आगे प्रोग्राम जो था, प्रोग्राम का नाम था एड डॉट ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो क्रिएट हो चुकी है उसको अब हम लिंक करने लगे हैं, तो लिंक एड डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, आप इसको एंटर करें तो ये देखें उसकी एक्सी फाइल आप क्रिएट करने लगा है। जी, तो स्टूडेंट की उसने एक्सी फाइल आपकी क्रिएट कर दी, लाइब्रेरी जितनी उसको रिक्वायर्ड थी वो उसने उसको कंबाइन करते हुए लिंक ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करते हुए एक एक्सी फाइल क्रिएट की है। अब जस्ट उस एक्सी फाइल को आपने रन करना है। एक्सी फाइल को रन करने का क्या मेथड है, आपने जस्ट जो प्रोग्राम का नेम है वो प्रोग्राम का नेम ऐड था, साथ में इसकी एक्सटेंशन जो थी वो एक्सी फाइल exe एक्सी फाइल जो है ये आप लिखेंगे, इसको आप एंटर करें तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन हो गया, अब वो यूजर से इनपुट ले रहा, कह रहा है कि फर्स्ट इनपुट एंटर करें। लेट्स सपोज कि मैंने एंटर किया सिक्स एंटर किया, ठीक है, ओके, यहां पर सिक्स, सॉरी एक मिनट, एड डॉट ई एक्स ए,
अब ये देखें, अगर मैं लेट्स ये यूजर से मैंने इनपुट अगर ऐसे ही इसको मैं करवा दूंगा ना, अगर आप इसको देखें कि मैंने जो है वो इस तरह किया कि जो नंबर्स थे ना उनको सिंपली ऐसे जो भी नंबर्स उनको वैसे ही ऐड करवा दिए। लेट्स सपोज मैंने पहला नंबर एंटर कर रहा हूँ 5, ठीक है, और फिर मैं इसको एंटर किया तो ये उसने प्रिंट कर दिया बी। तो ये देखें उसके हेक्साडेसिमल बी जो है वो कुछ और दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ अभी एरर मौजूद है। वो एरर क्या है, हमें जो आपके पास जो उसने आउट वो जो आउटपुट ये कर रहा है ये आपको आस्की कोड में कर रहा है। तो हमें आस्की कोड में कन्वर्जन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके लिए हमें पढ़ा था कि जो आस्की कोड में जो इंटीजर्स वैल्यू स्टार्ट होती हैं वो 48 से स्टार्ट होती हैं। तो हमें जो हमारे एंड पे जो हमारा आंसर आया था उसके रजिस्टर के अंदर जो डाटा रजिस्टर था, हमें करना पड़ेगा उसमें फिर 48 माइनस करना पड़ेगा ताकि हम मैप कर सकें अपनी जो आस्की कोड है उससे इंटीजर्स वैल्यू के ऊपर। तो मैं दोबारा से अपना प्रोग्राम ओपन करूंगा, तो उसके लिए कमांड है ई एडिट, ई टी आई टी एडिट, और प्रोग्राम का नेम था एड डॉट ए एस एम। अब ये देखिए प्रोग्राम आपका ओपन हो गया। तो बेसिकली जब आपने ये बी एल में रिजल्ट सेव हो गया था, ऐड कर लिया था, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बी एल में से 48 माइनस करना पड़ेगा। ये देखें तो यहां पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, उसके लिए कमांड है एस यू बी सब्ट्रैक्ट, और यहां पर बी एल में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 48। तो ये स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो मैंने आपको कहा था कि जब आप सिंपल जो वैल्यूज उनको ऐड वगैरह करवा के अगर आउटपुट करवाएंगे तो वो आस्की कोड में कोई और वैल्यूज दे रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी तौर पर फिर सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर है, समझे आप इस बात को पॉइंट स्टूडेंट्स? तो आपने ये देखा कि मैंने जो है वो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया था ऐड होने के बाद, तो मैंने उसको आस्की कोड से अपने इंटीजर्स वैल्यू पे मैप करने के लिए 48 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया ताकि मैं उसको जो कि चूंकि 48 से जीरो स्टार्ट हो रहा था, जब मैंने 48 से सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारा बेस जो हमारा जो डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4 है उन पे मैप वैल्यू हो जाएंगे। तो वो आप जो रिजल्ट आएगा वो फिर आपका ठीक आएगा रिजल्ट, इसलिए हम मैंने जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की कमांड जो है वो यूज की है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव, और इसको मैं यहां से एग्जिट करके प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मुझे दोबारा से वो इसको कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगा एम ए एस एम मैसम, और यहां पर जी मैसम यहां पर आपने लिखा मैसम, और आगे नेक्स्ट जो है वो ये एक मिनट, ये कंट्रोल इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ गया मैसम, और आगे आपने प्रोग्राम का नेम एड डॉट ए एस एम, फिर आपने लिखना है ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए लिंक, और लिंक के बाद प्रोजेक्ट का उस प्रोग्राम का नेम एड डॉट ओ बी जे, ठीक है। एक्सी फाइल इसने क्रिएट की, एक्सी फाइल को रन करने के लिए एड डॉट ई एक्स ई, इसको जो है वो आप रन करें, ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। पहला नंबर मैंने एंटर किया, ठीक है, और दूसरा नंबर एंटर किया, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने दोनों को एंटर किया 3 और 4 उसने ऐड करके उनका रिजल्ट सम जो है वो 7 दे दिया। तो स्टूडेंट ये क्लियर हुआ किस तरह से जो है वो आप देखेंगे 3 और 4 को ऐड करके उसने 7 सम हमें दिया है। अब ये जस्ट सिंपल मैंने प्रोग्राम लिखा है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि आस्की कोड की हमें कन्वर्जन करनी पड़ रही थी। जब टोटल रिजल्ट आ गया आपके पास तो उसके बाद फिर आपने आस्की कोड की कन्वर्जन की है। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम क्लियर हुआ, आइडिया हुआ आपको ये किस तरह से हुआ है? तो मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ। सर।